Kumar Chipillai, founder and secretary of People's Art Center, Mr. Bansi Dhurandhar, director and treasurer, Parle Tilak Vidyal Association, Dr. Sundar Rajdeep, who is head communication, University of Mumbai, all recipients of 12th Chhatrapati Shivaji Maharaj Lifetime Achievement Awards, ladies and gentlemen. I am in Mumbai, posted at various assignments for last 20 years, maybe slightly more than 20 years. I have done in Maharashtra so many years of service. So I am still grappling that how come I have never heard of this particular organization till 10 days back. So when Mr. Pillai met me about 10 days back and mentioned that it is thousands, more than thousands of functions he has organized. His theme of organization is nationalism, which I could see from whatsoever literature and brochure and earlier souvenirs he presented to me. So I readily agreed. There was only one hitch, because tomorrow our session of assembly is starting, budget session of legislature is starting. Traditionally, a day before that, there is an evening tea and a cabinet meeting. So if all of you are inconvenienced because he had to shift the program for to accommodate me for about half an hour or so, but I could make it, and in retrospect I think I took a good decision because I could meet such distinguished personalities here who are all accomplished in their respective fields. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मेन थैंक यू तो पिल्ले जी को जिन्होंने मुझे कंसिडर किया इस अवार्ड के लिए. छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जब नाम जुड़ता है और किसी अवार्ड के साथ जो हमें मिले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड्स ऑफ लेजेंड्स, यू नो ही इज़ अ लेजेंडरी हीरो आई वुड रादर से. शिवाजी और महाराणा प्रताप हमारे देश के दो ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी कहानी को और जिनकी जीवनी को पढ़ करके हमारे अंदर आत्मबल आ जाता है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. समय नदी की धार यहाँ पर सब बह जाया करते हैं, और शिवाजी जैसे लोग हैं जो इतिहास बनाया करते हैं. हमारे पिछले 12 साल से ये जो पुरस्कार वितरण हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन शुरू से ये बहुत तरक्की हुआ है. 12वीं साल में हम लोगों ने बहुत खुशी का माहौल है, तो और आगे बढ़कर आप लोगों के सबके सहयोग से हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं. अगला साल इससे भी और जोर में हम लोग करेंगे. आप लोगों का सबका आशीर्वाद उसमें होंगे, ख़ास तौर पर हमारे हिमांशु जी हमारे संग रहेगा तो हम इससे बढ़कर बहुत कुछ कर सकता है. महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा इंस्पायर करते हैं. एक ऐसा रूलर, मतलब उनका कोई आज भी इज एन इंस्पिरेशन, कि उस वक्त जब हमारा देश बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त हमारे देश को, आज हम खड़े हैं इस धरती को बचाए रखा, तो हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है. और उनके नाम से अवार्ड मिला क्योंकि महाराष्ट्र को मैं अपनी कर्मभूमि मानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आया, 20 साल हो गया, महाराष्ट्र की धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया. आज मैं जो कुछ हूँ इसी स्टेट की वजह से हूँ, इसी जगह से हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है कि इस स्टेट ने मुझे बहुत कुछ दिया, और आज उनके नाम पर ये अवार्ड मिला. तो पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये अवार्ड इतने बड़े हमारे एक ऐतिहासिक, बहुत बड़े हमारे गुरु या लीडर या एक हम कहें कि हम सबको इंस्पिरेशन है, और ये उनके नाम पे अवार्ड मिलना बहुत खुशी की बात है, एंड बहुत गर्व की फीलिंग हो रही है मुझे.